नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। दिन हो या रात, हर वक्त आपके साथ, ईमानदार जुझारू, नेक दिल लगनशील, कर्मठ गरीबों के मसीहा गजराज सिंह लोधी। जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 9 चुनाव चिन्ह आरी पर मुहर लगाकर इन्हें भारी मतों से विजयी बनाए। जन जन की यही पुकार, रेशमा परवीन अब की बार, इस बार विकास की बहेगी गंगा। कर्मठ, शिक्षित, ईमानदार युवा प्रत्याशी रेशमा परवीन, पत्नी मशकून अब्बासी, जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 16 चुनाव चिन्ह केतली पर मुहर लगाकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाए। आज आयुष मंत्रालय भारत सरकार की मंशा के अनुरूप जिला आयुर्वेदिक अधिकारी बुलंदशहर डॉक्टर विजय झलनी के निर्देशन में डॉक्टर गोपाल सिंह चिकित्सक अधिकारी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय जहांगीराबाद के द्वारा कोविड 19 से सुरक्षा हेतु शेष प्रतिरोधक औषधियां दवाई का वितरण नगर पालिका जहांगीराबाद में वितरित किया गया। चेयरमैन डॉक्टर सूरज भान व वार्ड मेंबर कैलाश चंद सैनी के सहयोग व अन्यों का सहयोग रहा। मौके पर नगर पालिका के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। जहांगीराबाद से संवाददाता वसीम सैफी की रिपोर्ट। हमने ये ठाना है क्षेत्र को स्मार्ट बनाना है, सबका साथ सबका विकास, गरीब मजलूम बेसहारा की आवाज मेरी पहली प्राथमिकता। जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 9 बुलंदशहर पीर गतिशील समाजवादी लोकिया और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी फेमिदा खातून वालिदा मोहम्मद सादिक को अपना कीमती वोट देकर विजय बनाए। जन जन की यही पुकार, इसरार चौहान अब की बार। इसरार चौहान प्रधान पद के उम्मीदवार गांव आसिफाबाद चंदपुरा को किताब के सामने वाला बटन दबाकर विजय बनाए। पीलीभीत पूरनपुर देहात क्षेत्र से प्रधान पद की शिक्षित ईमानदार महिला प्रत्याशी निशा रिफाकत को चुनाव चिन्ह कैमरा पर मुहर लगाकर विजय बनाए। जन जन की यही पुकार, हसमुद्दीन खान अब की बार। हसमुद्दीन खान जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 5 भाजपा प्रत्याशी निवासी मकरंदपुर पूरनपुर पीलीभीत को अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।